गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम हिंदी में पाठ है तीर्थ यात्रा की कहानी पढ़ाएंगे। बच्चों इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जैसे आक्रमण, हमला, भय, डर, ऋतु, मौसम, सहानुभूति, हमदर्दी, मनोरथ, इच्छा, धरती खिसकना, घबरा जाना, परिक्रमा, चारों ओर चक्कर लगाना, दिव्य शक्ति, दैवीय शक्ति, पाषाण, पत्थर, अनुभव, अंदाजा। बच्चों ये हमारे कठिन शब्द थे। अब हम तीर्थ यात्रा की कहानी बताएंगे। बच्चों लाजवंती नाम की एक स्त्री थी, उसके कई पुत्र हुए लेकिन सभी बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज था जो उसके जीवन का सहारा था। वे हेमराज को देख करके जो है अपने सारे मरे हुए पुत्रों के दुख को भूल जाते थे, इसलिए हेमराज को एक मिनट के लिए भी अपने से अलग नहीं होने देना चाहते थे। एक दिन लाजवंती जो है गाय को दुह रही थी कि अचानक हेमराज जो है मामा कह के बुलाना शुरू कर दिया। तब वो लाजवंती जो है गाय को दुहना छोड़ करके तुरंत अपने बेटे के पास जाती है तो हेमराज कहता है कि माँ मेरे सर में दर्द हो रही है। तो वह लाजवंती जो है ऐसा सुनकर के घबरा जाती है और तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास जाकर के सारी बात बताती है कि मेरे बेटे के सर में दर्द हो रही है और उसे हल्का हल्का बुखार भी है। डॉक्टर जो है लाजवंती के साथ उसके घर आते हैं और बच्ची को देख करके डॉक्टर दवा देता है और लाजवंती से कहता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम जाओ और तुम जो है इसको दवा पिला दो, इसका बुखार सही हो जाएगा। तब ऐसा कहकर डॉक्टर जो है चला जाता है और लाजवंती उसको दवा पिलाती है, फिर भी उसका बुखार ठीक नहीं होता है। जब अगले दिन डॉक्टर फिर आता है तो लाजवंती उससे कहती है कि इसका बुखार अब भी सही नहीं हुआ और तब डॉक्टर जो है उसको दूसरी दवा बदल करके देता है। इस तरह वह दिन प्रतिदिन उसको बदल बदल करके दवाइयाँ देता है कि अब ठीक हो जाए, लेकिन उसका बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इस तरह करते करते पूरे 11 दिन बीत जाते हैं। अब लाजवंती जो है को बहुत ज़्यादा लाजवंती बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और मन ही मन सोचती है कि ऐसा तो नहीं कहीं यह भी हमारा बेटा हमारे हाथ से तो नहीं निकल जाएगा। तो फिर डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर क्या बात है कि हमारा बेटा ठीक नहीं हो रहा है? तब डॉक्टर जी कहते हैं कि इसको मियादी बुखार हो गया है, अभी पूरे 21 दिन के बाद जो है इसका बुखार ठीक होगा। तब लाजवंती कहती है कि अभी तो 10 दिन है। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, लेकिन 10 दिन इसकी बहुत अच्छे से परवरिश करनी होगी, इसकी देखभाल करनी होगी। अब दोनों पति पत्नी जो है उसकी देख रेख करने लगते हैं, उसको छोड़ करके जो है एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं होते हैं। अब ऐसा करते करते पूरे 21वें दिन बीत जाते हैं और 21वां दिन जब वो आता है तो उस दिन इतनी ज़्यादा उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है कि उसके बचने का कोई भी सहारा नहीं होता है। तब जो है तुरंत लाजवंती जो है देवी के मंदिर में जाती हैं और देवी जी की पूजा याचना करती हैं और देवी जी की पूजना याचना करते हुए उनसे मन्नत मांगती हैं कि हे देवी माता, अगर हमारा पुत्र ठीक हो जाएगा तो हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। यह कह करके जो है वह जब अपने घर आती है तो उसके बेटे का जो है बुखार थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। धीरे धीरे करके उसके बेटे का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है और पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यह देख करके जो है पति पत्नी को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि यह जरूर देवी माता की कृपा है जिससे हमारा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है और दोनों कहते हैं कि हम अवश्य ही तीर्थ यात्रा करने जाएंगे।
अब लाजवंती का पति जो है लाजवंती से कहता है कि तुम पूरी तैयारी करो, हम लोग 2-3 दिन में ही तीर्थ यात्रा करने के लिए चलेंगे। अब लाजवंती धीरे धीरे तैयारियां करना शुरू कर देती है। जिस दिन जाना होता है उस दिन लाजवंती पूरी पूर्ण रूप से तैयारी कर लेती है और घर से निकलने के लिए तैयारी करना शुरू करती है। तभी उसको जो है किसी के रोने की आवाज़ आती है, तो लाजवंती जो है इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है। फिर भी कोई उसे दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं देता है तो उसका फिर दिल नहीं मानता है और वो अपने छत पर चढ़कर देखती है कि एक बुढ़िया रो रही है। वह तुरंत उसके पास जाती है और उसके रोने का कारण पूछती है। तो बुढ़िया जो है रोते हुए कहती है, क्या बताऊँ, मेरी बेटी की शादी है, हमने गहने और बर्तन का तो इंतजाम कर लिया है लेकिन मिठाई और खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। अगर मेहमान आएंगे तो हम उनको खाने में क्या देंगे। तो लाजवंती कहती है कि आपकी बेटी हमारी भी बेटी हुई, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम अभी जो है हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और लाजवंती तुरंत अपने घर जाती है और संदूक से 200 रुपये ला कर के जो है उस बूढ़ी औरत को देती है। अब लाजवंती को जितना सुख जो है उस तीर्थ यात्रा करने से आ रहा था, उतना जो है उससे कहीं ज़्यादा सुख जो है उसको रुपये देने से हो रहा था। बच्चों, सच्चा सुख जो है त्याग में ही होता है, इसलिए हमें जो है दूसरों के सुख दुख में भाग लेना चाहिए और हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। जितना सुख जो है गरीबों की मदद करने से होती है, उतना सुख हमें अच्छा खाने और अच्छा पहनने से नहीं होता है। थैंक यू बच्चों।